सो गुड इवनिंग गाइस, दिस साइड काजल तामकर। तो ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है ना। तो आप अच्छे अच्छे स्टोरीज एंड नॉलेज बेस्ड चीज़ें जानने के लिए, टेक्निकल भी एंड इनर सोल से रिलेटेड भी जानने के लिए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो मैं आज आपको कुछ स्टोरी सुनाने वाली हूँ एंड एक टॉपिक पे स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जो है सेल्फ इंस्ट्रोस्पेक्शन, ठीक है। तो सेल्फ इंस्ट्रोस्पेक्शन क्या है, ये मैं स्टोरी के थ्रू आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो स्टोरी बहुत पुरानी है, बहुत साल पहले एक घटना हुई थी, करीब 100 या 200 साल पुरानी घटना है, ठीक है। तो उस स्टोरी में एक बूढ़ा इंसान था, बूढ़ा इंसान बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, अराउंड 80 से 90 साल का था वो, ठीक है। तो उसने पेपर पढ़ा, पेपर लेकर के आया, पेपर में जो हम मैगजीन पढ़ते हैं ना, पेपर पढ़ते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें एक कॉलम होता है जिसमें कहीं ना कहीं कोई जो इंसान जो फेमस सेलिब्रिटी होता है या फेमस इंसान होता है या फिर किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो उसमें कॉलम में छपवाते हैं कि हाँ इस इंसान की डेथ हो गई है, नाउ ही इज़ नॉट अलाइव, शी इज़ नॉट अलाइव, दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पर होती है, ठीक है। तो वहाँ पर उस कॉलम में, डेथ वाले कॉलम में उस इंसान का खुद का नाम था जो वो पेपर पढ़ रहा था। अब आश्चर्य की बात यह है कि वो इंसान जिंदा था, फिर भी उसका उस पेपर में नाम था, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। वो इंसान कंफ्यूज हो गया कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं हूँ या मैं मर गया, पर उस पेपर में उसका नाम था, है ना। तो वो चेक करने के लिए फिर घर गया, देखा, बात करी सबसे, तो पाया कि हाँ मैं जिंदा हूँ। पर फिर उसने पेपर खोल करके देखा, पेपर में पढ़ा कि अच्छा लिखा क्या है, मेरे बारे में लिखा क्या है, कोई मरता है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, पेपर में उसके बारे में कुछ कुछ लिखा जाता है कि वो कैसा था क्या था। तो उसके बारे में लिखा था कि डायनामाइट के राजा की मृत्यु हो गई। अब डायनामाइट का राजा मौत का सौदागर था, ये चीज़ लिखी गई थी, और ये सुनते ही वो शॉक्ड हो गया, क्या मैं मर जाऊँगा, क्या मेरी डेथ हो जाएगी, तो लोग मेरे बारे में ये कहेंगे कि डायनामाइट का राजा था मैं और मौत का सौदागर था मैं। स्टोरी यहीं तक थी, स्टोरी ख़त्म, इतनी स्टोरी थी। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि स्टोरी तो आधी सुनाई मैंने, है ना, स्टोरी यहीं तक थी। अब समझने को क्या मिलता है, सीखने को क्या मिलता है, वो मैं आपको अब बताती हूँ। आप सबको पता होगा कि नोबल प्राइज़ के आविष्कारक सर अल्फ्रेड नोबल थे, है ना, उनको सबको ही जानता है। बट क्यों जानता है, क्योंकि नोबल प्राइज़ का आविष्कार उनने किया था। 7 सेक्टर्स में नोबल प्राइज़ वर्ल्ड का बेस्ट अवार्ड है ना। बहुत सारे लोगों को नोबल प्राइज़ मिलता है, जो भी अच्छा काम करते हैं उस कैटेगरी में बेस्ट काम करते हैं, उनको नोबल प्राइज़ पुरस्कार मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए सर अल्फ्रेड नोबल को जाना जाता है। बट सेकेंड पार्ट क्या है, मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा कि डायनामाइट का आविष्कार भी सर अल्फ्रेड नोबल ने ही किया था, जिस वजह से उन्हें ये भी खिताब है कि उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, क्योंकि डायनामाइट के आविष्कार से ही परमाणु बम बना था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक ही इंसान की दो कैटेगरीज होती हैं, एक अच्छाई दूसरी बुराई, हर एक इंसान में होती है, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, है ना। उसको जानना, उसको समझना, बाहर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, हम कैसे दिखते हैं, हमारे अंदर हमारे फेस में क्या है, हमारा बाल कैसा है, हमारा बॉडी कैसा है, बहुत सारी चीज़ें, हमारे कपड़े कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मीन्स हमारे अंदर की सोल कैसी है, हम अंदर से कैसे हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे अंदर
ये क्वालिटी है कि मैं हेल्पिंग नेचर की हूँ, मैं एज फ्रेंडली हूँ, है ना, मैं टॉकेंटिव भी हूँ, और मैं इसके अलावा मतलब थोड़ा गुस्से वाले भी हूँ, ज़िद्दी भी हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? ये सारी चीज़ें आई मेरे जो फ्रेंडली इन नेचर है ना, ये मेरा आया फ्रेंड्स से। मैं जिन फ्रेंड्स के साथ में रहती थी वो फ्रेंडली इन नेचर थे, ठीक है। और मुझे ये चीज़ बताई गई थी कि आपको फ्रेंडली हो कर के ही सारी लाइफ अच्छा मतलब रहता है ना। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर फ्रेंड से आया, फ्रेंडली इन नेचर, नाउ सेकेंड वन। इसके अलावा और क्या क्वालिटी थी मेरी? ये लास्ट क्वालिटी थी कि मैं ज़िद्दी हूँ, है ना। अभी ज़िद्दी क्यों? बचपन से ही मैंने ज़िद करी है, कभी भी टोका नहीं गया है। टोका भी गया है तो मैं उस बात को नहीं मानी हूँ। मुझे जो चीज़ चाहिए, जो मुकाम चाहिए, वो मैं पा करके रहती हूँ, तो मैं ज़िद्दी हूँ, है ना। फिर गुस्सा, फैमिली बैकग्राउंड ही गुस्से वाला है, सारे ही हमारे घर में गुस्से के हैं, है ना। तो कभी भी कोई भी गलत चीज़ होती है तो वहाँ पर गुस्सा आता है। अब इसके अलावा और क्या क्वालिटी बताई थी मैंने, है ना, कि मैं टोकेंटिव हूँ। टोकेंटिव कहाँ से आया? टोकेंटिव वहाँ से आया कि मतलब बात कर करके समझ में आया कि हाँ, मुझे बात करके खुशी मिलती है। और किससे सीखा? मैंने फादर से सीखा। टोकेंटिव होना फादर से सीखा, ठीक है। नाउ ये सारी क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं से हमने सीखी हैं, खुद से बचपन से नहीं आती हैं सारी चीज़ें कि हम पैदा हुए और आ गई, है ना। तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। अब कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी थी, कुछ ख़राब क्वालिटीज़ भी थी, है ना। तो जैसे सीखा है, सीखने में कम टाइम लगता है बट रिमूव करने में ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो रिमूव करने से बेटर है उसको चेंज करना। जब भी गुस्सा आ रहा है तो हम उसको, गुस्से को एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते, बट उस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम पे बहुत सारी एनर्जी आ रही है, अगर उस टाइम पे हम कुछ उधर, जैसे किसी पर्सन के ऊपर गुस्सा आ रहा है, उस पर्सन से बात ना करके, गुस्सा ना करके उसी एनर्जी को किसी और चीज़ में यूज़ कर लो, कुछ भारी सा काम कर लो, ऐसे करके धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें, गलत चीज़ें जो हैं, बुराइयाँ जो हैं अपने अंदर की, इसको पहचान के चेंज करना, दैट इज़ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सो होप सो आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी। हाँ, मैं आज फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स भी हुई होंगी, एंड मैं आपसे फीडबैक भी लेना चाहती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेरी फर्स्ट वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें, क्या इम्प्रूव करना चाहिए मुझे, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें। एंड आपको किस टाइप की वीडियोज़ देखना है एजुकेशन पे, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।